बीबीसी ईंट भट्टा मोली में प्रवासी मजदूर के द्वारा ईंट मारकर की गई पत्नी की हत्या, पुलिस के द्वारा किया गया मामला दर्ज। रायपुरानी पुलिस थाना के अंतर्गत पड़ते गांव मोली में स्थित बीबीसी ईंट भट्टा पर एक प्रवासी मजदूर के द्वारा अपनी पत्नी के सिर में ईंट मारकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी गई शिकायत में ईंट भट्टा के ऊपर जमादारी का काम करने वाले धनंजय ने बताया है कि उसके पास अंबाला में स्थित कक्कड़ माजरा के ईंट भट्टा पर काम करने वाले सरवण और उसके परिवार के सदस्य मेहनत मजदूरी करने के लिए एक महीने पहले आए थे। वह अब बीबीसी ईंट भट्टा मोली पर ईंट पुथाई का काम करने लगे थे। उनके चार बच्चे थे। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह परिवार सहित बीबीसी ईंट भट्टा पर बनी झुग्गी में ही रहते थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि सरवण शक्की किस्म का व्यक्ति था और अपनी घरवाली के चरित्र पर शक करता था और उससे झगड़ा करता था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 8 जुलाई की रात्रि को सरवण व उसकी पत्नी ममता का किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। झगड़ा के बाद वह अपनी झुग्गी में सो गए थे। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो सरवण के बच्चे झुग्गी के बाहर खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज में रो रहे थे। मैंने झुग्गी के अंदर जाकर देखा तो सरवण की पत्नी ममता जमीन पर नीचे बिछे बिस्तर पर खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसके मुंह से, नाक से, कान से खून निकला हुआ था और ममता का पति सरवण वहीं पर था। जिससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसका रात्रि के समय उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और गुस्से में उसने अपनी पत्नी ममता के सिर में ईंट मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे उसके चरित्र पर पिछले काफ़ी दिनों से शक था। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद किसी व्यक्ति के द्वारा पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसी दौरान जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उससे पहले आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस के द्वारा पूरे मामले को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।